3, 2, 1 बजाएंगे तो इसके अंदर कांसे के बर्तन के जैसी ध्वनि आएंगी। तो हम आपको सुनाते हैं इसकी आवाज, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज आपको एक ऐसी पहाड़ी दिखाते हैं जो महाभारत काल से है और ये श्रापित पहाड़ी है। यहाँ पर बहुत ही मात्रा में चमगादड़ मिलेंगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों आ चुके हैं तो शाम सीट की पहाड़ी पे, जो कि हम पहले भी एक छोटा वीडियो डाला था, जो कि ये जो पहाड़ी है ये महाभारत से कनेक्टेड है सीधा। और यहाँ पे जो कि हमने दिखाया था आपको पहले, पत्थर बजता था और अब फिर से आपको लेके चलेंगे। ये देखो दोस्तों, सीधी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो यहाँ पे पहाड़ी बड़े बड़े पत्थरों जो होते हैं सीधा ऊपर जाएंगे हम और आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाएंगे कैसी चढ़ाई है, कैसे पत्थर बजेगा और या हर पत्थर बजता है या सिंगल वही पीस है एक जो बजता है वो भी आपको दिखाएंगे अभी वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हो ये दो भाई यहाँ से, भाई साहब यहाँ से देखो रास्ता थोड़ा कठिन, फिर भी आपको लेके चलेंगे ऊपर पहाड़ के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, आशीष भैया और संजय भैया यहाँ पे पत्थर दिखाएंगे आपको बजा के, तो बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है ये, जो कि देखिए यहाँ पे हर एक पत्थर के अंदर ऐसी ध्वनि नहीं आती है। देखिए अभी पत्थर बजाएंगे आपके सामने, ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था इस पत्थर के अंदर, ये देखिए। तो यहाँ पे आवाज नहीं आ रही, जो कि हम आपको ऊपर लेके चलेंगे पहाड़ी के बिल्कुल छोटे के ऊपर पत्थर है जो कि महाभारत काल से सीधा कनेक्टेड है। तो वो पत्थर दिखाएंगे आपको जिसके अंदर कांसे के बर्तनों की जैसी आवाज आती है, पत्थर बजता है। ये हमारे हरियाणा के अंदर महाभारत से कनेक्टेड पत्थर जो कि तुसाम तहसील के अंदर है, जो कि दिखाएंगे आपको ऊपर लेके चलते हैं। चलिए ये देखिए, बहुत ही बेकार रास्ता है यहाँ पे, हम लेके चलेंगे आपको सीधा पहाड़ के ऊपर। अब देख सकते हैं बहुत ही ऊंचा पत्थर है भाई यहाँ पे, देखिए हर पत्थर को बजाते हुए चल रहे हैं जो कि वो ध्वनि टोने के लिए। और एक छोटा है बाबा मुंगी पा का मंदिर, ये देखिए आप पत्थर, ये देखिए दोस्तों रास्ता मिल नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, तो रास्ता टोते हुए कहां से ऊपर चलना है, चढ़ना है, बहुत ही ऊपर जाना है। ये देखिए रास्ता है नहीं कहीं पे भी, ये देख सकते हैं आप, ये श्यामी तुसाम की पहाड़ी जो कि मूंगी पा का मंदिर है वहां पे, ये देख सकते हैं आप बहुत ही ऊपर आ चुके हैं हम और अभी ऊपर जाने की तैयारी, ये देख सकते हैं आप। किसी पत्थर के अंदर से कोई आवाज नहीं, ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला हमें, और ऊपर चलते हैं ट्राई करते हैं। ये देखिए दोस्तों पत्थर बजाते आ रहे हैं जो कि हम बहुत ही ऊंचाई पे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि पिछली की बार वीडियो हमारी अधूरी रह गई थी, तो आपको आराम से डिटेल में चमकाएंगे दिखाएंगे। इस पत्थर में देखो, इसमें कोई भी आवाज नहीं है, जबकि इस पत्थर में साउंड है, और ऊपर चलते हो सकता है और भी अच्छे से सुनाई दे। ये देखिए दोस्तों काफी ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे कितनी गहरी खाई है, पता चल गई थी हमें, ये आप देख सकते हैं। तो और भी ऊपर चलते हैं, चमगादड़ पत्थर ले ले संजय, बहुत ही गहरी गहरी खाई, ये देख सकते हैं आप। इस साइड आना भाई साहब, आशीष भाई साहब इस साइड से निकालेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों कितने गहरे हैं यहाँ पे, खाई है बहुत बड़ी बड़ी। ये देखिए भाई साहब आएंगे अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ से, थोड़ी सी गलती भी जान ले सकती है, यहाँ से बहुत ही नहीं ऊपर आ चुके हैं हम, बड़े बड़ी शिला यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी ऊंचे, जो कि चढ़ने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से। ये देखिए आएंगे आराम आराम से, आराम तो भाई साहब पकड़ के, रास्ता नहीं है बिल्कुल भी आने का,
पत्थर बहुत ही ऊपर है, अभी काफी आगे जाना है, तो आराम आराम से चलेंगे दोस्तों। नीचे जाएंगे सीधे, आप देख रहे हो खाई कितनी नीचे है यहाँ पर, तो हम नव रूप पर पहुंचने वाले ही हैं दोस्तों। जो ऊपर पत्थर है वहां पे हमको जाना है, देख सकते हो काफी ऊपर है अभी भी जाने के लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं उस पहाड़ी के ऊपर जो आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में, वो देखो ऊपर रखी हुई है। और ये देखो दोस्तों बहुत ही गहरी खाई है यहाँ पे, हम काफी ऊपर आ चुके हैं। और जो हमने आपको बताया यहाँ पे चमगादड़ बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही गंदी स्मेल है यहाँ पे, चमगादड़ बहुत ही ज्यादा मात्रा में है यहाँ पे, जो दिखाई भी हो गया हमने आपको वीडियो में दिखाएंगे नीचे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ऊंचा ये पहाड़ है, यहाँ पे सीट की पहाड़ी इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो शामवासी जो भी हैं इसको सीट की पहाड़ी बोलते हैं। और ये पत्थर देखो बिल्कुल चोटी पे रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि हमने पिछली वीडियो दिखाई थी आपको छोटी सी। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार। ये देख सकते हैं आप बहुत ही ऊपर है पहाड़, अभी वहाँ पर चढ़ना है, बाकी बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए पहाड़ रास्ता कितना गंदा है यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल से। ये देखिए खाई, ये संजय भाई साहब, एक आशीष भाई साहब, हाँ ये पत्थर लेके चल रहे हैं भैया हम, पत्थर जरूरी है। ऊपर जाके पत्थर नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें पिछली बार फेंक दिया था उसको। रास्ता कहाँ से है, यहीं से भाई साहब, यहीं से चढ़ना पड़ेगा आपको। ये जो ऊपर है पत्थर है वो देख सकते हैं आप। चलो दोस्तों फाइनली ऊपर चढ़ चुके हैं, देखिए आप बहुत ही ऊपर आए हैं पहाड़ के। ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा गहरा है नीचे, ये तुसाम का पहाड़। और ये जो बोलते हैं यहाँ पे पृथ्वीराज का किला, वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे नजारा कुछ मौसम बहुत ही ज्यादा खराब, मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये देखिए दोस्तों चिल्ड मौसम व्यू काफी अच्छा। और जो कि ये है वो पहाड़ जो भी आपको दिखाएंगे इसकी ध्वनि, ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खाई नीचे। आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर जो कि आप देख सकते हो काफी ऊंचाई पे पत्थर है। ये जो पत्थर है दोस्तों इसका सीधा रिले कनेक्शन महाभारत से बताया जाता है, जिसके इसके अंदर जब हम इसको बजाएंगे तो इसके अंदर कांसे के बर्तन के जैसी ध्वनि आएंगी। तो हम आपको सुनाते हैं इसकी आवाज, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसकी आवाज जो कि इन पत्थरों से बिल्कुल अलग है, ये देखिए आप इनमें नहीं आ रही आवाज, ये देख सकते हैं आप। और इसकी आवाज बिल्कुल अलग है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ के ग्रामीण बताते हैं किसी टाइम में यहाँ पे पांडव आए थे अज्ञातवास में, जो कि ये जो तुसाम का पहाड़ है इनके ऊपर उनका कुंड भी है, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, यहाँ पे कुंड है। और जो पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे पृथ्वीराज का किला है, जहाँ पे किसी टाइम में का किला बताया जा रहा है, वो भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप काफी ऊंचाई पे हमारे हुए ये पत्थर है, देखिए